नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनकी नई नई जॉब लगी है, जो नया नया पैसा कमाना स्टार्ट किया है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, कहीं पे ट्यूशन वगैरह करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। यानी कि मोटा मोटी आज के इस वीडियो में हम यंग मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका इनकम सोर्स बहुत ही कम है, यानी कि कम पैसे में आप किस तरह से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों ये कोई हवा में हम बात नहीं करेंगे, दोस्तों हम अपने जो इनकम है उसको कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो कि आने वाले कुछ टाइम में हमें देगा बहुत सारा फायदा। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों इस प्लान में, उसके बाद दोस्तों आपको कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे में से कुछ कुछ हिस्सा सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टेड अमाउंट को एक लंबे समय के लिए छोड़ देंगे, और दोस्तों कुछ ही सालों के बाद आपको मिलेगा एक बहुत ही शानदार रिटर्न दोस्तों। तो इस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हम हेल्प लेंगे ग्रो का। दोस्तों यहाँ पे हम जिस फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों इंडेक्स फंड। हमने इंडेक्स फंड को क्यों चूज किया है दोस्तों, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनमें से ये बहुत ही स्टेबल है। ये डायरेक्टली जिस तरह से आपका मार्केट अप एंड डाउन होता है, ये भी मार्केट अप एंड डाउन होता है दोस्तों, उस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपको कम से कम 13-14% का रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं ग्रो के ऐप में, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके हर एक चीज पूरा डिटेल में बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने SIP कैलकुलेटर पे। दोस्तों अगर आप महीने में सिर्फ 2,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं सिर्फ 5 साल के लिए, तो दोस्तों आपका फ्यूचर पूरा सिक्योर है इसके हिसाब से। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे SIP। SIP का मतलब होता है दोस्तों आप एक महीने में कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट को पकड़ के चलते हैं। आप चाहें तो उसको 3,000, 4,000, 5,000, आप अपने हिसाब से जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना रुपए आप इसको मान के चल सकते हैं। दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि आपकी उम्र लगभग 25 साल है। यहाँ पे आपने दोस्तों 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 25 साल पहले भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप कहीं पे कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं, या फिर कहीं पे कुछ ट्यूशन वगैरह कर देते हैं, वहां पे आपको कुछ पैसा मिल जाता है, तो उस पैसा को खर्च ना करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों। तो ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि आपकी उम्र है 25 साल। यहाँ पे आपने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब जो दोस्तों इंडेक्स फंड है वहां पे आपको आराम से 13% तक का रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। तो हम इसका ऑन एन एवरेज 13% मान के चलते हैं। अब दोस्तों अगर ये वाला इन्वेस्टमेंट आप 5 साल के लिए करते हैं, तो देखिए दोस्तों जब आपकी उम्र 30 आ जाएगी, 30 साल, तो आपके पास होगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,70,000 के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 1,69,607 रुपीज। हम इसको 1,70,000 रुपए मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो आपके पास 5 साल के बाद 1,70,000 रुपए आएगा दोस्तों, यही पैसे को दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देना है इसी फंड में। तो हम जाएंगे दोस्तों लमसम में। तो दोस्तों लमसम में दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है 1,70,000 रुपए, वही 13% का ब्याज पे हम चलते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसको और 5 साल होल्ड करते हैं, यानी कि पहले आपकी उम्र थी 25 साल, आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए, अभी आपकी उम्र होगी 30 साल, 30 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करके बंद कर देना है, अभी आपको और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी 30 साल की उम्र में आपके पास 1,70,000 रुपए है। अब उस 1,70,000 को आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों 13% ब्याज के हिसाब से 5 साल के लिए, यानी कि अभी आपकी उम्र है 35 साल। तो 35 साल आते आते आपके पास हो जाएगा दोस्तों 3,13,214 रुपीज। अगर आप इसको और 5 साल होल्ड करते हैं दोस्तों, यानी कि अभी आपकी उम्र है 40 साल, 40 साल में आपके पास होगा दोस्तों 5,77,076 रुपीज। और उसको अगर आप और 5 साल होल्ड करते हैं, यानी कि आपने पहले 5 साल इन्वेस्ट किया, फिर उसको 15 साल तक होल्ड किया, टोटल 20 साल,
हमने शुरू किया था आपकी उम्र 25 से, तो अभी आपकी उम्र है 45। तो जब आपकी उम्र 45 हो जाएगी दोस्तों, तब आपके पास होगा 10,60,000 के आसपास। अभी और थोड़ा अगर इसको इंक्रीज करते हैं और 5 साल, यानी कि आप इसको 20 साल होल्ड करेंगे, तो आपकी उम्र हो जाएगी दोस्तों लगभग 50। तो 50 साल में आपके पास होगा दोस्तों 20 लाख रुपए। और इसको और थोड़ा होल्ड करेंगे दोस्तों 25 साल में, तो दोस्तों जब आप इसको 25 साल तक होल्ड करेंगे, तब आपके पास होगा दोस्तों 36 लाख रुपीज। और 5 साल होल्ड करेंगे दोस्तों, तो 30 साल में आपके पास हो जाएगा दोस्तों 66,50,000 के आसपास। यानी कि जब आपकी उम्र 55 होगा, तब आपके पास 66 लाख रुपीज होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम एक बार और पकड़ के चलते हैं दोस्तों, कि अगर आप एसआईपी में अब 2000 के जगह दोस्तों सिर्फ 5000 का इन्वेस्टमेंट करते। दोस्तों यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास एक अच्छा जॉब है, अभी आप मैरिड नहीं है, तो आप 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 5000 रुपए अगर आप करते, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी 5 साल के बाद आपके पास होगा दोस्तों 4,25,000 के आसपास। इसी 4,25,000 को दोस्तों आप उसी प्रोसेस में, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों 4,50,000 हमें हमको मान के चढ़ते हैं दोस्तों, चलिए हम इसको राउंड फिगर करके 4 लाख पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों 4 लाख अगर आपके पास है, और इसको लमसम में आप 13% के हिसाब से दोस्तों अगर आप इसको 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपके पास होगा 30 साल के बाद दोस्तों 1.56 करोड़ रुपए, यानी कि आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 25 के उम्र में दोस्तों 15,000-20,000 रुपए भी आप कमाना शुरू कर दिए, और उसमें से 5000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, और जो आपका लमसम अमाउंट है 4 लाख के आसपास, उसको लॉन्ग पीरियड के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जब आप की उम्र रिटायरमेंट के आसपास हो जाएगी 55-60 के पास, तब आपके पास होगा दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए। तो उस पैसे से आप अपने रिटायरमेंट के आराम की जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह से आप अपना रिटायरमेंट का बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।